उत्तर प्रदेश के आगरा में शाहजहां के 368वें उर्स के तीसरे दिन चादरपोशी की रस्म अदा की गई। तीसरे दिन भी ताजमहल के तहखाने को खोला गया। तहखाने में बनी शाहजहां की और मुमताज की कब्र पर चादरपोशी की रस्म अदा की गई। कब्रों पर चादरपोशी के लिए अकीदतमंद 1480 मीटर लंबी सतरंगी चादर लेकर ताजमहल पहुंचे। उर्स को देखते हुए तीसरे दिन सुबह से ही ताजमहल में पर्यटकों को फ्री एंट्री दी गई। उर्स कमेटी के साथ पर्यटक भी जियारत करने के लिए शाहजहां की कब्र पर पहुंचे। कब्र पर फतिहा पढ़ा गया, कुल शरीफ की रस्म को भी अदा किया गया, पंखा किया गया और फिर चादरपोशी की रस्म अदा की गई। ताजमहल उर्स कमेटी के सदस्यों ने बताया कि देश में अमन और चैन की दुआ मांगने के लिए सतरंगी चादर से शाहजहां की कब्र पर चादरपोशी की गई है। आखिरी दिन अकीदतमंदों के लिए लंगर का आयोजन भी किया गया है। मेरा नाम है हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर, प्रेसिडेंट खुदाम रोजा ताजमहल उर्स कमेटी। ये 368वां उर्स है, आज उर्स का आखिरी दिन है, तीसरा दिन है। इसमें 1480 मीटर की चादर हर साल की परंपरा इस साल भी चढ़ाई जा रही है। इसका नाम है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर। ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट चादर है और ये सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों के सहयोग से मनाई जाती है और सबके सहयोग से ही चढ़ाई जाती है। ये किसी राजनीति की वो चादर नहीं है, किसी एक मज़हब की चादर नहीं है, सारे मज़हब के लोगों से इसमें जुड़े हुए हैं और सारे मज़हब के लोग इसमें सहयोग करते हैं। हम इस चादर के ज़रिए से सारे हिंदुस्तान में और दुनिया में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आगरा में हमारे पास अभी भी भाईचारा एकता है और हम सब लोग मिल के चढ़ाते हैं। ये सद्भावना की चादर है, ये सब मिल के चढ़ाते हैं। अदनान कुरैशी मेरा नाम है। अदनान, आज चादर पोशी की गई है, क्या कहना है? हर साल की तरह इस साल भी 1480 मीटर की चादर जो है शाहजहां के उर्स के मौके पर चादर चढ़ाई गई है और आप देख रहे हैं भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ शाहजहां मुमताज का उर्स मनाया जा रहा है और हम यही अपील करेंगे लोगों से कि हर साल जो है सुकून शांति भाईचारे से ये चादर पेश करते हैं और आने वाले समय में भी चादर चढ़ाते रहेंगे। उर्स के तीसरे और आखिरी दिन शाहजहां की कब्र पर 1880 मीटर लंबी सतरंगी चादर से चादरपोशी की जाएगी। उसके आखिरी दिन ताजमहल में उमड़ी भीड़ को देखते हुए एएसआई और सीआईएसएफ अधिकारियों ने ताजमहल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रातः दर्पण न्यूज।